नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप जोईशू हिंदी धोरण 9। आग आप एक सरस मजा काव्य जुं आराधना। आराधना एट्ले कि भगवान ने प्रार्थना। हवे तमारे बधाए एक पाकी बुक बनावानी छे, जे 200 पेजनी बुक लेवानी छे। अहींया जे हूँ तमने लखावुं ते पहेला रफ बुक में लखवानुं, त्यार पछी पाकी बुक में लखवानुं रहेशे, बराबर। એટલે આપણે કાવ્ય જોયું હતું, દેહ મંદિર ચિત્ત મંદિર એ કહી હે પ્રાર્થના, સત્ય સુંદર માંગલ્ય કી નિત્ય હો આરાધના। કવિ કહે છે કે મારી એવી પ્રાર્થના છે કે શરીર અને મનથી સત્ય શિવ અને સુંદરની આરાધના થાય। લોકો સત્યને માર્ગે ચાલે, તેમના મનમાં સુંદર વિચારો આવે અને સૌ એકબીજાના હિતનો વિચાર કરે। दुखियारों का दुख जाए, हे यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कवि प्रार्थना करे छे कि दुखी लोगों ने दुख माथी छुटकारो मळे अने लोको एक बीजानी पीड़ानो अनुभव करे। दुर्बलोना रक्षण माटे ज शक्ति अने साहसनो उपयोग थाय। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। सौना जीवन में नवो प्रकाश नूतन चेतना फैलाय, सौना हृदय में सुंदर भावनाओ हो, सौना मन में सुंदर आशाओ हो, सौ मानवता की पूजा करे। बधा लोको शौर्य अने धैर्य प्राप्त करे एज भगवान ने प्रार्थना छे। एज भगवान ने अपने दिल की प्रार्थना करिए छे। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मुक्त हम चाहे कवि ने इच्छा छे के मनुष्य मनुष्य वच्चेना बधा भेदभाव दूर थई जाए, कोई नी साथे दुश्मनावट न होय अने लोकोनी खराब भावनाओ नष्ट थई जाए, सब मनुष्यो एकतानो अनुभव करे। आपणे स्वतंत्रता अने भाईचाराની कामना करीए छीए, आपणे एवी कामना करीशुं के भगवान बधाना दुख दूर करे। हम कविता का अर्थ लिखेंगे। कवि चाहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए, और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे, सब एक दूसरे के हित की बात सोचे, सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से
दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले। दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले। और लोग एक दूसरों की पीड़ा का अनुभव करे, पीड़ा का अनुभव करे। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। पछिनो त्रीजो, सबके जीवन में नया प्रकाश आए, नया प्रकाश हो, नया प्रकाश हो सबके अंदर में, हृदय में, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, और सब मानवता की पूजा करे, और सब मानवता की पूजा करे। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करे, सभी लोग शौर्य और धैर्य यही प्रार्थना है। पछिनू है, भेद सभी कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, सारे भेदभाव समाप्त हो जाए। किसी
कि किसी से दुश्मनी ना हो, और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। सरस अने सुंदर मजानो आ काव्य पंक्तिनो सार छे। लखाई गयु बधाने कविता का अर्थ। कवि चाहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे के पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। सबके जीवन में क्या नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। बराबर लखाई गयु बधाने। हवे तमारे आ जे विचार विस्तार लखेलो छे ए पाके बुक में लखवानो छे, तमारे एक पाके बुक बनावानी छे। बराबर आवजो।